हेलो, वेलकम टू खाना खजाना सुषमा। मैं हूँ आपके साथ सुषमा चौधरी। आज हम बनाएंगे मसाले वाला काजू जो मैदे से बनता है, बहुत ही ज्यादा खस्ता और कुरकुरा बनता है। इस काजू की एक खास बात ये है, आप इसे खट्टा बनाना चाहते हैं तो खट्टा बनेगा, मीठा बनाना चाहते हैं तो मीठा बनेगा, खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो खट्टा मीठा बनेगा। और अगर आप इसे साउथ इंडियन फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसे करी पत्ते का भी फ्लेवर दे सकते हैं। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं चटपटा मसालेदार काजू। आज हम बनाएंगे मसाले वाला चटपटा खस्ता काजू। चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाले वाला चटपटा खस्ता काजू। मसाला काजू बनाने के लिए ये 2 कप भर के मैंने मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने अजवाइन, 1 चुटकी लिया है बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी लिया है बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने सॉल्ट, 2 बड़ा चम्मच ले लिया है मोइन के लिए घी। चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला काजू। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है। हम काजू बनाने के लिए डो लगा लेते हैं, आटा गूंदकर मैदा डाल लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम हाथ से हल्का सा क्रश करके अजवाइन डाल देंगे। सॉल्ट भी डाल देते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे। और ये जो मैंने मोइन के लिए घी लिया है इसको भी डाल देते हैं। ये हल्का सा मैंने गरम करके ले लिया है। ये हमने मिक्स कर लिया है घी को भी। मोइन के लिए हमें घी इतना रखना है जिससे हमारी हाथ से अगर हम मुट्ठी बांध के देखें तो ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए, उससे हमारे काफी खस्ता काजू बनकर तैयार होंगे। चलिए हमने मिक्स कर लिया है, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेते हैं। एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। तो ये डो हमारा रेडी है। ये देखिए आप, डो हमारा बिल्कुल रेडी है बनके। अब इसे हम 5 मिनट के रेस्ट के लिए रख देते हैं, फिर हम मसाला काजू तैयार करेंगे अपने। तो ये डो हमारा बिल्कुल रेडी है, 5 मिनट हो चुके हैं, इसको बना लेते हैं अपने मसाला काजू। चलिए डो को हमें बेल कर लेना है, बेल लेते हैं। चलिए पहले इसे फैला लेंगे हम थोड़ा सा, बेल कर ले लेते हैं अपने डो को इस तरीके से, थोड़ा मोटा बेल कर ले लेंगे हम इसे। तो ये लीजिए, हमने इसकी सीट बेल कर ले ली है, इसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके हमने सीट बेली, आप ये देखिए, हमें इतनी मोटाई रखनी है इसकी। चलिए कट करके ले लेते हैं काजू की शेप में से। तो इस तरह का हम कोई कटर ले लेंगे, उससे हम काजू की शेप में कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम इसी दिशा में कट करते जाएंगे, हाफ मून शेप में कट करना है हमें इन्हें इस तरीके से। ये देखिए आप, इसी दिशा में हमें कट करते जाना है, हाफ मून शेप में कट करना है हमें काजू को। ये देखिए कर लेते हैं सभी को। इसी तरीके से हमें कट करते रहना है इसी दिशा में। ये देखिए आप, तो ये देखिए सभी काजू को हमने कट करके ले लिया है। चलिए फ्राई करते हैं इनको। तो ये मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे, गैस ऑन कर ली है। चलिए फ्राई करके ले लेते हैं काजू को अपने। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, गर्म होने देते हैं ऑयल को। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, चलिए डाल देते हैं काजू को। थोड़े थोड़े काजू उठा के हम डालेंगे कढ़ाई में। तो हमने काजू डाल दिए हैं,
इन्हें हम ब्राउन कलर आने तक काजू को सेक लेंगे। ये देखिए आप, अभी हल्का सा ये ब्राउन कलर आया है। अच्छा, ब्राउन कलर आने तक हमें काजू को सेक कर लेना है। सेक लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है काजू पे हमारे, सिक्कर रेडी है। तो निकाल लेते हैं इन्हें हम। तो ये देखिए आप, ले लिए हमने प्लेट में लगाकर। अब हम बाकी के बचे हुए भी फ्राई करके ले लेते हैं काजू को। तो ये देखिए, ये भी हमारे ब्राउन कलर के सिक्कर काजू रेडी हैं। निकाल लेते हैं, ये देखिए आप, निकाल कर ले लेते हैं इन्हें प्लेट में। सभी को निकाल लेते हैं। तो ये हमने सभी को निकाल लिया है ट्रे में। मसाला डाल लेते हैं काजू में अपने। तो ये हमने एक बाउल ले लिया है, सभी काजू को बाउल में डाल लेंगे। तो मसाला काजू बनाने के लिए मैंने इसमें ये ब्लैक पेपर लिया है बारीक कुटा हुआ, डाल देते हैं। और ये लिया है मैंने एक स्पून चाट मसाला, इसको भी डाल देते हैं। ये लिया है मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है मैंने। तो मसाले हमने डाल दिए हैं, इन्हें एक से दो बार टॉस कर देते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी मसाले की कोटिंग लगकर तैयार है काजू पर। इस काजू की मुझे एक ही बात बहुत अच्छी लगती है, जो भी मसाला हम इसमें डालें, अगर आपको तीखा पसंद है तो तीखा, अगर खट्टा डालना चाहते हैं तो खट्टा, या फिर खट्टा मीठा, जैसा भी आप इसमें मसाला डालोगे उसी में रल मिल जाता है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है ये मसाला काजू। बाउल में डालकर ले लेते हैं। तो ये लीजिए, मसाले वाले चटपटे खस्ता काजू बनकर रेडी हैं एकदम। इन काजू को आप बना के पूरे एक से दो महीने तक के लिए रख सकते हैं, बना के एयर टाइट डिब्बे में भरकर, और पूरे एक से दो महीने तक आप इन्हें आराम से खा सकते हैं। तो रेडी है एकदम आपके सर्व करने के लिए गर्मा गर्म चाय के साथ मसाले वाला खस्ता चटपटा काजू बनकर। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और खाना खजाना सुषमा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। आज हमने मसाले वाला चटपटा काजू और खस्ता काजू बनाया था। अगर आपको मेरी मसाले वाले चटपटे खस्ता काजू की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और खाना खजाना सुषमा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।